नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका राजस्थान एग्जाम्स इन 10 मिनट। ये सब मेरा परिचय है। यहाँ पर जुड़ने पर आपको डेली लाइव क्लासेस दी जाएंगी, जिस पर आप टीचर से डिस्कस कर सकते हैं, अपने डाउट को आप क्लियर कर सकते हैं, टीचर से क्वेश्चन आंसर भी आप कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको दिया जाएगा, यानी अकॉर्डिंग सिलेबस पूरा पाठ्यक्रम आपको पढ़ाया जाएगा। लाइव टेस्ट, क्वीज, मॉक टेस्ट का समय समय पर आयोजन होगा, जिससे आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी परफॉर्मेंस में आप सुधार कर सकते हैं। अनलिमिटेड एक्सेस, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप एक ही वीडियो को अनेक बार देख सकते हैं। ये फीस स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप सब जानते हैं, इसके अंदर 12 माह या 24 माह का पाठ्यक्रम लेने पर हमें सर्वाधिक फायदा मिलता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 12 या 24 माह का पाठ्यक्रम लें। अगर आप 12 माह का पाठ्यक्रम लेते हैं तो ये आपको 7,000 रुपये का पड़ेगा। अगर आप 24 माह का पाठ्यक्रम लेते हैं तो ये आपको 8,400 रुपये का पड़ेगा। लेकिन मेरा प्रोमो कोड RT10 अगर आप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको इमीडिएट 10% का कंसेशन मिलेगा। और यही पाठ्यक्रम आपको 12 माह का पाठ्यक्रम आपको 6,300 रुपये में और 24 माह का पाठ्यक्रम आपको 7,560 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। तो शीघ्रता से आप जुड़िए। यहाँ वर्णमाला टॉपिक देखते हैं हम। वर्णमाला का मतलब क्या होता है, पहले हम समझ लें वर्ण का मतलब क्या होता है। वर्ण वर्ण का मतलब होता है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को हम क्या बोलते हैं, वर्ण बोलते हैं। तो इनकी माला, स्वर और व्यंजनों की जो माला है, एक सीरीज है, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्णमाला बोलेंगे। और वर्णमाला के अंदर मूल वर्णों की संख्या कितनी है, 44 है। जैसे हिंदी ग्रामर जब बनी तब उसके मूल के अंदर, उसकी शुरुआत के अंदर वर्णों की संख्या कितनी थी, 44 थी। ये मैं आपको बता दूं, वर्तमान में वर्णों की संख्या 52 है, लेकिन मूल वर्णों की संख्या कितनी थी, 44 थी। अब मूल वर्ण होते क्या हैं, मूल का मतलब होता है शुरुआत, शुरुआत में वर्ण कितने थे, 44 थे। ये प्रश्न SI इंस्पेक्टर 2011 के अंदर पूछा गया, बताओ मूल वर्ण कितने हैं, तो आपको 44 आंसर देना होता है। मूल वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपका आंसर होता है इसे 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वरों की संख्या कितनी है, ये प्रश्न भी कई बार आता है, तो उस हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 33 है। कितनी अच्छी संख्याएं बनाई है, अगर किसी को 11 का पाढ़ा याद हो तो वह इन तीनों के आंसर सही दे सकता है। जैसे देखिए 11, 11 दुना 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44। यहाँ पर बताओ स्वर कितने हैं, तो आप कहेंगे 11। आपसे पूछा जाए व्यंजन कितने हैं, तो आप कहेंगे 33। और मूल वर्ण कितने हैं, शुरुआती वर्ण कितने हैं, तो आप कहेंगे 44। अब आपसे पूछ लिया जाए बताओ स्वरों को कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में, एकमात्रिक स्वर और द्विमात्रिक स्वर। जिनके उच्चारण में 1 सेकेंड का समय लगे वो ह्रस्व हैं, जिनके उच्चारण में 2 सेकेंड का मिनिमम समय लगे वो दीर्घ होते हैं। अच्छा, छोटे स्वरों को ह्रस्व बोलते हैं, बड़े स्वरों को दीर्घ बोलते हैं। 7 और 4 को जोड़ दे तो स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 44 हो जाती है। और व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या 25 है, अंतस्थ जिनकी संख्या 4 है, ऊष्म जिनकी संख्या 4 है। स्पर्श यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ किसी भाग को स्पर्श करती है। अंतस्थ का मतलब वायु अंतःस्थ, अंदर ही स्थित रह जाती है, जिनके उच्चारण में वायु बाहर नहीं आती है। और ऊष्म जिनके उच्चारण में वायु गर्म होकर के बाहर की ओर निष्कासित होती है। तो स्पर्श व्यंजन को हम वर्गस्थ व्यंजन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे वर्गस्थ व्यंजन आ जाते हैं। तो हम पहले देख लें ह्रस्व स्वर कितने, 4 कौन कौन से हैं। तो देखिए ह्रस्व स्वर 4 होते हैं और वे हैं ए, ई, ऊ और ऋ से ऋषि। इन 4 को हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं। इनमें से प्रत्येक के उच्चारण में 1 सेकंड का समय लगता है, यानी ये एकमात्रिक स्वर होते हैं, छोटे स्वर होते हैं। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है, 7 है। और वे 7 स्वर कौन कौन से हैं, तो ये यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आप गिनेंगे तो इनकी संख्या 7 आ जाएगी। तो ये बड़े स्वर कहलाते हैं, इसलिए इनको दीर्घ भी कहते हैं। इनमें प्रत्येक के उच्चारण में 2-2 सेकंड का समय लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ, ये टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है।
और ह्रस्व कितने होते हैं? चार होते हैं। तो यही तो बात यहाँ पर बताई है, ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? चार होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? सात होते हैं। अब हम व्यंजनों को थोड़ा सा अच्छी तरह समझते हैं। व्यंजनों में स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। 25 कैसे है कि इसमें सारे वर्गस्थ व्यंजन आ जाते हैं। जैसे एक कै वर्ग में पांच वर्ण आ गए, चै वर्ग में पांच, कै वर्ग में पांच, तै वर्ग में पांच और पै वर्ग में पांच, ऐसे टोटल जोड़ लेंगे तो कितने हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। और अंतस्थ में क्या क्या आ जाता है? य, र, लय और वय, ये चार अंतस्थ में चले जाते हैं। और चार वर्ण, ये तालव्य है, ये मूर्धन्य है, ये दंती से और है, ये चार किस में चले जाते हैं? उसमें कैटेगरी में चले जाते हैं। तो यहाँ पर वही तो बात हमने कही है, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 25 होती है। अंतस्थ की चार होती है। उष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? चार है। 25 से 4 29, 29 से 4 को जोड़े तो व्यंजन कितने हो जाते हैं? 33 हो जाते हैं। चलिए, शुरुआत में हिंदी के पास में मूल वर्णों की संख्या कितनी थी? 44 थी, जिसमें 11 स्वर थे और 33 व्यंजन थे। लेकिन फिर उसके बाद में धीरे धीरे ध्वनियाँ और जुड़ी। अयोगवाह है वे ध्वनियाँ जिनको न तो जिनका योग स्वरों से किया जाए न व्यंजनों से, वे अयोगवाह दो और जुड़ गई, जिसमें अनुस्वार और विसर्ग आता है। अनुस्वार आ जाएगा और विसर्ग आ जाएगा। और ड और ढ जिनके नीचे बिंदी है, ऐसे ड और ढ, ऐसे ड और ढ जिनके नीचे बिंदी आई है, उनको उत्क्षिप्त नाम दिया गया है। तो दो ये और जुड़ गए। और फिर संयुक्त व्यंजन चार और जुड़ गए। संयुक्त व्यंजनों में क्या क्या आता है? क्षय, त्र, ज्ञ और श्र। संयुक्त व्यंजन इनको क्यों बोलते हैं? क्योंकि दो व्यंजनों से मिलकर के बने हैं। क्षय किससे मिलकर के बना है? आधा क और षटकोण वाले स से। त्र किससे मिलकर के बना है? आधा तय और र से। ये ज्ञ कैसे बना है? आधा ज और य से। श्र कैसे बना है? आधा स और र से। इनको उत्क्षिप्त क्यों बोलते हैं? क्योंकि उत जीव जल्दी से उत ऊपर और क्षिप्त यानी जल्दी से नीचे की ओर आती है। और यहाँ पर इन सब को जोड़ लें तो कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाती है? 52 हो जाती है। तो इन संख्याओं को हमें बहुत अच्छी तरह याद करना है। इनकी संख्याओं को लेकर के प्रश्न आया करते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा जाए मूल वर्ण कितने होते हैं? 44 स्वर कितने होते हैं? 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33। अयोगवा कितने होते हैं? 2। उत्क्षिप्त कितने होते हैं? 2। संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। और कुल वर्ण कितने होते हैं? 52। ये प्रश्न आप इस वर्णमाला वाले टॉपिक से तैयार करें। ये फिर से स्ट्रक्चर है, जैसा कि 12 माह या 24 माह का पाठ्यक्रम हमें लेते हैं तो यहाँ सर्वाधिक फायदा हमें मिलता है। 12 माह का जो पाठ्यक्रम है वो 7,000 रुपये का है, 24 माह का 8,400 रुपये का है। मेरा प्रोमो कोड RT10 इस्तेमाल कर लेने पर आपको इमीडिएट 10% का कंसेशन मिलेगा। और जो 12 माह का पाठ्यक्रम है वो आपको 6,300 रुपये में ही उपलब्ध हो जाएगा। और जो 24 माह का पाठ्यक्रम है ये आपको 10% डिस्काउंट के साथ आपको 7,560 रुपये में उपलब्ध हो जाएगा। तो शीघ्रता से आप यहाँ चैनल के साथ में जुड़िए, जिससे इसी प्रकार के क्वालिटी वीडियोज आपके सामने आए और आप उससे लाभ उठा पाए। विद्यार्थियों, यहाँ आपका हृदय से आभार। आप सबने वीडियो देखा है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। और अगर आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो वहाँ पर RT10 मेरा प्रोमो कोड 10% डिस्काउंट के लिए यूज कर सकते हैं। आप सबका हृदय से आभार, धन्यवाद।